हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिंदगी में आप सब कुछ कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है फाइनेंशियली फ्री होना, क्योंकि दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें नहीं समझेंगे। तुम में से बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सपना है। तुम चाहते हो किसी लड़की से प्यार करना, तुम चाहते हो किसी लड़की को सेट करना, तुम चाहते हो लोग तुम्हें प्यार करे, तुम चाहते हो जो तुम्हारा सपना है वो पूरा हो जाए। हो सकता है तुम्हारा सपना हो क्रिकेटर बनने का, हो सकता है तुम्हारा सपना हो सिंगर बनने का, हो सकता है तुम्हारा सपना हो यूट्यूबर बनने का, कुछ भी तुम्हारा सपना हो सकता है। तो वो सपना पूरा कैसे होगा, तुम्हारा जो बड़ा सपना है वो पूरा कैसे होगा, ये तुम किस तरह से खुश रहोगे, किस तरह से तुम्हारी जिंदगी में सुकून मिलेगा। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, जिंदगी में शांति और सुकून चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो सबसे जरूरी है फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है आप खुद के पैसे इतने कमाओ ताकि आप अपने से किराए लेके घर रह सको, अपने पैसे से खाना खा सको, अपने पैसे से कपड़े पहन सको, तभी आप जिंदगी को अच्छे से जी सकते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, कोई अपना नहीं है भाई, समझ गए? लोग यहाँ पे तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, तुम्हें साथ नहीं देंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सच बता रहा हूँ, लाइफ में कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। अगर तुमने ये कह दिया कि मेरे को ये काम करना है, देखना तुम्हारी जो फैमिली है ना, तुम्हारी जो सोसाइटी है, फैमिली है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, वो तुम्हारी 100 कमियां निकालेंगे। कुछ ऐसे भी रिश्तेदार होंगे जिनके अंदर खुद कमियां हैं, फिर भी वो तुम्हारी एक कमी निकाल लेंगे, समझ गए? डिस्टर्ब का मतलब है अगर तुम कुछ भी अच्छा कर रहे हो तो घर में रह के नहीं कर पाओगे, क्योंकि घर में हर तरह के लोग रहते हैं भाई। तुम कुछ अच्छा करोगे, लोग तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, लोग तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे उनका। क्यों? क्योंकि तुम तो फ्री नहीं हो ना। अगर वहीं पे तुम किराए लेके घर रह रहे हो ना, तो किसी के बाप की औकात है जाके तुम्हें डिस्टर्ब करे या डिमोटिवेट करे? जैसे मैं यहाँ पे अभी वीडियो बना रहा हूँ, पीछे से मेरी दादी बोल रही है, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि ना बोले? नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे बाप का घर थोड़ी ना है। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ आपको कि आप भी अगर कुछ करना चाहते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। कोई स्किल सीख लो, ITI कर लो, या डिप्लोमा कर लो, या क्या कहते हैं, कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लो, कंप्यूटर स्किल सीख लो। इससे क्या होगा कि आप 20,000-25,000 रुपये कमा पाओगे। अरे 20-25 हज़ार ही कमाओगे यार, 5,000 के घर में रहोगे ना, सुकून से रहोगे, आज़ादी से रहोगे। 5,000 के किराए के घर में भी रहोगे ना, सुकून से, आज़ादी से, ना कोई डिस्टर्ब ना डिमोटिवेट करेगा। और जब तुम अपने ही घर में रहोगे ना, तो तुम्हारी खुद की फैमिली बोलेगी ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, तुम्हें इंसल्ट किया जाएगा। जब तुम खुद के जिस जगह पे रहते हो ना, निगेटिव माहौल में, वहां पे लोग तुम्हें सिर्फ निगेटिव बोलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर तुम किसी गांव से रहते हो, बिहार में मैं बिलोंग करता हूँ, अगर आप बिहार के किसी गांव से हो, तो वहां पे क्या होता है, लोग एक दूसरे को कपदाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं। अगर कोई कुछ बड़ा सपना देखता है तो उसका लोग हंसी उड़ाते हैं, उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। तो ऐसी जगह पे आप रह के कभी कामयाब हो सकते हो? आप खुद सोचो, जहाँ पे इस तरह के लोग हो, निगेटिव माइंडेड लोग, जिनके लिए सफलता का मतलब क्या पता है? जिनके लिए सफलता का मतलब है सरकारी नौकरी, बीबी, बच्चे, उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते। अगर उनको पूछा जाए कि और कुछ होता है, तो बोल गए नहीं, यूट्यूबर क्या होता है, इंस्टाग्राम पे फेमस होना, ये सब क्या होता है, उनको ये सब पता ही नहीं है। और अगर पता भी है ना, तो भी करना नहीं चाहते। तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब कोई तुम्हें समझेगा नहीं भाई। अगर तुम कुछ भी अलग करना चाहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को समझाना नहीं है, ना तुम्हें अपनी परिवार को समझाना है, ना तुम्हें अपने माँ बाप को समझाना है, ना सोसाइटी को चेंज करना है। अरे उनको नहीं बदल सकते तुम, उनकी जो सोच है ना वैसी ही रहेगी। लोग तुम्हें 10 तरह के आइडिया देंगे, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन तुम वही काम करना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले तुम कोई स्किल सीख लो, कंप्यूटर स्किल सीख लो, टेली सीख लो, जावा सीख लो, कोई भी सीख लो स्किल। इससे क्या होगा, आप 20 से 25 हज़ार रुपये कमाओगे। और सबसे पहली चीज, पैसा कमाने के साथ साथ घर छोड़ देना, किराए लेके घर रहना। उसमें आप चाहे आपको UPSC की तैयारी करना हो अपने पैसे से करना, SSC की तैयारी करना अपने पैसे से करना, यूट्यूबर बनना है अपने पैसे कमा करके, वो पैसे यूट्यूब पे लगाओ, अपने पैसे कमा करके इंग्लिश सीखो, अपने पैसे कमा करके सब काम करो। जब तुम अपने पैसे कमा करके सब काम करोगे, तो फिर किसी से क्या रिश्ता रखना। फिर भी अगर तुम कह रहे हो कि नहीं मेरे रिश्तेदार है, मेरी परिवार है, नहीं जी, अगर तुम्हारे वो रिश्तेदार होते, परिवार होते ना, तो तुम्हें समझते, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते, डिमोटिवेट नहीं करते, तुम्हें
तुम्हें कहते हैं कि ठीक है जितना टाइम लेना है ले लो, आराम से करो। जैसे अगर मेरे, मैं आपको सच बताऊं, अगर सच में परिवार सपोर्ट होता या फैमिली समझती, सोसाइटी समझती, तो मुझे भी कहती कि ठीक है तुम बैठो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। ये तो बोलते हैं यहाँ, तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, लेकिन सपोर्ट तो नहीं करते। तो यही चीज है भाई कि तुम अगर कुछ अलग करना चाहते हो ना, अपने पैसे कमा के करना, कोई साथ नहीं देगा और किसी से कोई मतलब मत रखना, समझे। जब तुम संघर्ष कर रहे हो तो अकेले कर रहे हो, और जब तुम सफल हो जाओगे तो क्या सबको लेके आओगे? ना जी, जिस तरह से संघर्ष अकेले करते हो ना, उसी तरीके से जब सफल हो जाओ तो वो भी अकेले ही सेलिब्रेट करना, लोगों के साथ नहीं। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो ना कोई परिवार होता है, ना कोई समाज होता है, ना रिलेटिव होता है, कोई नहीं होता किसी का। हाँ, ये लोगों का काम है तुम्हें नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, डिमोटिवेट करना, तंग करना, परेशान करना, यही काम होता है इनका, और कुछ नहीं होता है। अगर तुम ये कहोगे कि इनका काम होता है सपोर्ट करना, तुम्हें मोटिवेट करना, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तो इसीलिए कहता हूँ कि इन सारी चीजों से ऊपर उठो। और देखो, भगवान श्री राम ने घर छोड़ दिया था तभी वो कामयाब हुए, तो तुम्हें भी घर छोड़ना पड़ेगा, समाज छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदार छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कोई स्किल सीखो, फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, और जब कामयाब हो जाओगे ना, चिंता मत करना, सब आएंगे। जो तुम जितने लोग हैं, जो गर्लफ्रेंड तुम्हारी छोड़ दी वो भी आएगी, जितने लोगों ने तुम्हें छोड़ा है ना, जितने लोग आज तुम्हें नालायक कहते हैं, वो सब लोग तुम्हारी तारीफ करना शुरू कर देंगे, देख लेना। बस तुम कामयाबी के लिए खुद संघर्ष तो करो, और किसी पे ध्यान मत दो ज्यादा, अपने काम पे ध्यान दो, बाकी सब यार कुछ नहीं होता है। जैसे मेरा ड्रीम क्या है, मैं अगर सच बताऊं, मेरा ड्रीम है कि मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना है। मेरा आइडल है खान सर, मैं सोच रहा हूँ मैं भी उस पे मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाऊँ यूट्यूब पे। तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मैं भी स्किल सीख रहा हूँ, टेली सीख रहा हूँ, टेली सीख करके मैं पैसे कमाऊंगा, और पैसे कमा के मैं भी किराए का घर लूंगा, उस पे एक बोर्ड खरीदूंगा और यूट्यूब पे वीडियो बना के पढ़ाऊंगा। ये है मेरा ड्रीम। और साथ साथ मैं यूपीएससी का भी पढ़ाई करूंगा, क्योंकि देखो मैं यूपीएससी आईएएस बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर बहुत सारे लोग मेरे को मजाक उड़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं कि आओ आईएएस तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, आईएएस बनोगे क्या ऐसे, मेरे को लोग परिवार के भी कुछ लोग कहते हैं, या समाज के हर बात पे मेरे को नीचा दिखाते हैं कुछ लोग, तो मैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगर कोई मुझे नीचा दिखाता है, मैं या तो सीखता हूँ या तो मैं इग्नोर करता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता, गुस्सा नहीं आता। तो मेरे को हर बात पे बोलेंगे, अरे यार तुमको तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। मैं बोलता ठीक है, नहीं आता तो क्या करें, अपने से बड़े अगर कुछ भी बोले तो ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। तो मुझे हर बात पे ये कहा गया कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम क्या बनोगे आईएएस, तो मुझे बनना कहाँ है जी आईएएस। मैं तो बस यूपीएससी की तैयारी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं लोगों को पढ़ा सकूँ, जीएस पढ़ा सकूँ, मैथ्स पढ़ा सकूँ, इंग्लिश पढ़ा सकूँ, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और जब मेरे को जॉब लगेगी तो मैं वही काम करूंगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। पूरे दिन टेली का काम करके आएंगे, अकाउंटिंग का, और रात में वो काम करेंगे जो यूट्यूब पे करना है, खुद भी पढ़ेंगे, दूसरों को भी पढ़ाएंगे। तो ये सारा ड्रीम है मेरा, और मैं पैसा नहीं चाहता कि मुझे बहुत सारा पैसा हो, मैं बस ये चाहता हूँ कि लोगों का भलाई हो और मैं दूसरों की मदद कर सकूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी मिलती है मुझे इससे। और मेरे लाइफ में मुझे प्यार या शादी ये सब नहीं चाहिए, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपने लाइफ में फ्री होके जी सकूँ, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना इन चीज़ों में। हालांकि एक लड़की से प्यार है, वो भी मुझे प्यार करती है, बट अगर मैं सफल नहीं होऊंगा तो थोड़ी ना प्यार होता है। जब तक तुम, मैं कह रहा हूँ ना, करियर ना बना लो ना, तब तक प्यार की कोई अहमियत नहीं होती है। और वो समझती है वो लड़की भी कि हाँ ये कर रहा है, तो वो समझ रही है। उसको मैंने बता दिया कि देखो बेबी, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ ताकि मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना है, तो तुम 1 घंटा आधे घंटे बात कर लो, हो गया। तो मैं मैनेज कर लेता हूँ प्यार को भी, पढ़ाई को भी, और यूट्यूब को भी। तो ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जो तुम्हें मोटिवेट करे, जो तुम्हें साथ दे। तो इस तरह से ही आगे बढ़ो लाइफ में, मेहनत करो, दूसरों की बात पे ध्यान मत दो, तभी आप लाइफ में सफल हो पाओगे। और पहले फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है कोई स्किल सीख लो ताकि पैसे कमा सको, और अपने ही पैसे कमा करके अपने सपने पूरे कर सको, और किसी से मतलब मत रखो, कोई किसी का नहीं होता भाई। सब लोग तभी आते हैं जब तुम्हारे पास पैसा होता है, तो पैसे के पीछे भागो, फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, अपने सपने पूरे करो, उसके बाद ही कुछ सोचना, क्योंकि लोग साथ देते नहीं हैं, हमेशा याद रखना। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ और कामयाबी हासिल करके दिखाओ।